एक लंबे अरसे के बाद कह सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी औधे में उघरी है, महज 33 सीटों पर सिमट करके रह गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया, उस परिणाम ने ही ये तय किया कि केंद्र में किस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं। जब आज से नहीं, अगर आप लोग सुनते होंगे, अगर राजनीतिक थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे, तो किसी भी मीडियाकर्मी के मुँह से कभी भी इस परिदृश्य में लोग बात करते रहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। सबसे पहला अल्फाज उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के यही होती है लोगों का। और आमतौर पे यह अवधारणा भी है, और यह अवधारणा कन्फर्म भी हुआ है, साबित भी हुआ है। और अगर हम देख लें, अगर इस बाबत अगर देखें, तो ये इस बार का परिणाम भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को छका दिया है। नतीजा ये रहा कि अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई। संगठन सरकार के बीच में वाहपो और कलह का नतीजा ये रहा कि उप मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम विधायक, तमाम संगठन के लोग, तमाम कार्यकर्ताओं ने दिल्ली का रुख किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़े, और बहुत सारे तमाम जो है कमियां निकल करके सामने आई। अब एक लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब ऐसा हो, सब कुछ सामान्य हो और सरकार, संगठन और जो संघ है वो एक साथ बैठक करे। कई बार इसकी मुहूर्त डाली गई, लेकिन किन्हीं कारण से, या कहें कि अंतरकलह के चलते, ये बैठकें संपन्न नहीं हो पाई थी। लेकिन कल बीते रात, देखा जाए देर रात तक, संघ के बड़े चेहरा हैं अरुण कुमार जी, और अरुण कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, संगठन से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री। तो इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी तमाम जो लोग थे, वो सारे लोगों ने कल बैठक करके एक जो है एक दिशा तय किया, दशा पे समीक्षा किया कि ये जो दशा हुई है तो उस पर क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ नहीं किया जाए। और दिशा ये तय किया कि आगामी जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, 10 सीटों में 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ के विधायक सांसद बन चुके हैं, और एक सीट ऐसी है कानपुर का, जो जहाँ पे समाजवादी पार्टी के वहाँ पे विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको सज़ा मिल गई है 7 साल की, और वो खाली हो गई है। पूरे 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों को लेकर के ये तय हुआ कि अब पहले की भांति, यानी 2014 के पहले अगर देखा जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, संगठन के साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके, संघ के साथ मिल करके, अब उस पैटर्न पे लोगों के बीच में जाएंगे। दलित का मुद्दा काफ़ी हावी रहा, और इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अहदे में उघरी। तो ऐसे में दलित और पिछड़ों की बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, और तमाम जो एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा वक्त के हालात में, वो उस एजेंडे को धार देते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में एक और ज़्यादा ट्विस्ट है कि आज पूर्व नियोजित बिना कार्यक्रम के, यानी अभी तक कोई भी कार्यक्रम नहीं तय हुआ है, और उसमें अगर देखा जाए तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे तमाम कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मीरापुर जहाँ पर उपचुनाव भी होना है, वहाँ पर कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, रेड वितरण करेंगे, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण करेंगे, रोजगार मेले में शामिल होंगे, नियुक्ति वहाँ पे लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। तो ऐसे कई कार्यक्रम हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ साथ तो वो लगातार जिस तरीके से जहाँ पर भी जाते हैं, वो मंडली समीक्षा बैठक करते हैं विकास कार्यों को लेकर के, कानून विकास को लेकर के, और कानून को लेकर के, तो उस कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक करेंगे। इन सब सारे बैठकों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो आज दिल्ली भी जा सकते हैं। और जो कल बैठक हुई है, इस बैठक में क्या निचोड़ है, उसको लेकर के आला कमान से वो मिल सकते हैं। एक नई धार देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में होगी, और अपनी जो खोई हुई बिसात है, उस बिसात को बचाने की कोशिश होगी। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा है।